University. Where are you? अनुमान के मुताबिक 2021 तक भारत विश्व का सबसे युवा देश बन जाएगा। ऐसे में परंपरागत कैरियर ऑप्शंस के साथ साथ तमाम नए कैरियर के विकल्प देश के युवाओं के लिए मौजूद हैं। कैरियर से जुड़े इस खास कार्यक्रम में हमारी टीम की कोशिश रहती है कि आपको न सिर्फ नए नए कैरियर ऑप्शंस के बारे में बताया जाए बल्कि उनसे जुड़ी पूरी जानकारी हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुँचाई जाए। दोस्तों, मैं हूं रीना। आइए देखें क्या है नया और खास आज के इस एपिसोड में। देखेंगे आईटी इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर, समझेंगे अंग्रेजी बोलने का महत्व, मिलेंगे कैरियर एक्सपर्ट से, विस्तार से जानेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज। भारत सरकार की कोशिश रहती है कि बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिले। ऐसे में स्किलिंग के जरिए बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने की कोशिश बड़े पैमाने पर की जा रही है। आप भी सर्टिफिकेट कोर्स करके स्किल्ड हो सकते हैं और अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसे ही स्किल्ड कोर्स के बारे में देखते हैं इस सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर दर्पण। भारत सरकार ने योग्यता को निखार कर रोजगार दिलाने की जो शुरुआत की है उससे बहुत से युवाओं को राहत मिली है। देश भर से युवक आगे बढ़कर आ रहे हैं, अपने हुनर में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा कर नौकरी पा रहे हैं। ये सर्टिफिकेट कोर्स विभिन्न प्रकार के स्किल्स में दिया जाता है। इन्हीं में से एक स्किल है सोइंग मशीन ऑपरेटर यानी SMO। इस कोर्स में एक महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान सिलाई सिखाई जाती है। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों को सोइंग मशीन की पूरी जानकारी दी जाती है। मैंने कई जगह नौकरी की मगर मैं टिक के नहीं कर पाया, कभी एक महीना कभी दो महीना, क्योंकि मैं एक हेल्पर ग्रेड में था, मेरे पास कोई टेक्निकल नहीं था। मैं कहीं करता मेरी बार बार जॉब छूट जाती थी तो मुझे प्रॉब्लम आती थी, तो मैंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा। कोर्स करके एक टेक्निकल हो जाएगा मेरे पास, फिर मुझे जॉब के लिए बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। मैं इसको और मुझे इसमें फ्यूचर भी दिख रहा है। ट्रेनी है, उसको सिखाते हैं कि एक तो मशीन को चलाते कैसे हैं, बेसिक सिलाइयां, आपने कफ बना रहे हो, कॉलर बना रहे हो तो उसकी बेसिक सिलाइयां होती हैं, उसकी टेक्निक्स उनको टेक्निकली समझाया जाता है कि मशीन को कैसे हैंडल करते हैं, मेंटेन भी कैसे करते हैं, बेसिक मेंटेनेंस मशीन की सिखाई जाती है। और उस दौरान उनको कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस देते हैं। उन एक्सरसाइजेस से ये जो ट्रेनी होता है उसको पता चलता है कि कैसे क्या क्या काम करने हैं, किस सीक्वेंस में करना है। और ट्रेनिंग के एक महीने, तकरीबन लगभग एक महीने की ट्रेनिंग होती है। उस एक महीने के ट्रेनिंग के एंड में उन्हें एक टेस्ट दिया जाता है जिसमें उनकी कुशलता हम जांचते हैं। और जब वो एक सर्टन लेवल पे, मतलब एक स्पीड से काम कर सकते हैं, एक क्वालिटी से काम कर सकते हैं, तो उनको कंपनी में, इंडस्ट्री के अंदर प्लेस कर देते हैं। रेडीमेड गार्मेंट्स की इंडस्ट्री भारत में दूसरे स्थान पर है जो देश की GDP में अच्छा योगदान दे रही है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि आज के वक्त में सोइंग मशीन ऑपरेटर की इंडस्ट्री में कितनी जरूरत है। अपैरल और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में करंटली अभी कम से कम 2 से 3 करोड़ लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री एक्सपोर्ट लेड भी है और डोमेस्टिक भी है, और आने वाले समय में, क्योंकि ये बड़ी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसमें कामगारों की बड़ी जरूरत है, तो जो लोग अभी इस इंडस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे जो भी सिखाया जाता है इनको, बेसिक स्विंग मशीन, एक सिलाई की मशीन पे काम करना सिखाया जाता है, वो करीबन 1 से 1.5 महीने में सीख जाते हैं और एक एंट्री लेवल पे कंपनी में इनको आराम से नौकरी मिल जाती है। और जैसे आपकी कुशलता आगे बढ़ती है, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, तो इंडस्ट्री के अंदर लोग सीनियर टेलर बन जाते हैं, फिर उनमें से कुछ जिनमें ज्यादा अच्छी काबिलियत है वो सुपरवाइजर, लाइन सुपरवाइजर बन जाते हैं। SMO का ये कोर्स कोई भी आसानी से कर सकता है। इसके लिए आपको बस
पांचवीं पास होना जरूरी है। अगर आप घर में रहने वाली हाउस वाइफ हैं तो भी इस स्किल में अपने भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट कोर्स की कीमत भी ज्यादा नहीं है और कोर्स के बाद नौकरी की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। ये इंडस्ट्रियल सोइंग मशीन होती है, जिसमें गारमेंट हाउस होते हैं जहाँ 1,000 मशीन 2,000 मशीन लगी होती हैं और फॉरेन कंट्री के काम होते हैं, जो इनका ऑर्डर होता है वहाँ पे असेंबली सिस्टम में काम होता है पार्ट वाइज कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने बेसिक शर्ट बनाना है, तो एक ऑपरेटर नहीं बनाएगा, इसमें कम से कम 40 ऑपरेटर होंगे। स्टार्ट पीछे से होगा और एंड में फिनिश हो जाएगा। इस कोर्स के बाद एंटरप्रेन्योरशिप यानी खुद का व्यापार शुरू करने की पहल भी की जा सकती है। अच्छा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्राप्त करने के बाद आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, यानी ये स्किल आपको कम पूंजी में भी सफल बना सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप जैसे देखिए, आप एक छोटा सा 20 या 25 लोगों का कारखाना शुरू कर सकते हैं जो सिलाई कर सकता है। जैसे शर्ट बना रहे हो आप, ड्रेस बना रहे हो, तो बड़ी पूरे हिंदुस्तान में इतनी रिक्वायरमेंट है कि जिस पर्सन में थोड़ी काबिलियत है, एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा बेंट ऑफ माइंड है, उनको उसमें रुचि है, वो अपना छोटी सी पूंजी में, इसमें ज्यादा पूंजी नहीं लगती, आप अगर सीख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और काबिलियत है, तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और अगर आप देखोगे आज जो उद्योग बने हैं गारमेंट इंडस्ट्री के, वो इन्हीं छोटे छोटे कारखानों से बनकर ही बने हैं, जो अगले जिन्होंने जहां आप सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। आप जिस सुनहरे कल की कल्पना करते हैं वो अब पूरा हो सकता है। भारत सरकार की इस पहल से आप भी अपना भविष्य मजबूत बना पाएंगे। अंग्रेजी बोलना आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। बिना अंग्रेजी बोले किसी कंपनी का इंटरव्यू पास करने में कठिनाई आती है, इसीलिए जरूरी है कि आप अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ रखें। कैसे करें खुद से इंग्लिश बोलने का अभ्यास, देखेंगे कैरियर मंत्रा में। अंग्रेजी पढ़नी और लिखनी तो अक्सर हम सबको आती है, पर अंग्रेजी बोलने में हम सब संकोच कर जाते हैं। क्या आपको पता है देश की जनसंख्या में से केवल 10% आबादी ही अंग्रेजी बोलती है। हमारी मोस्टली पॉपुलेशन हिंदी भाषी है। हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में हम हिंदी में ही बात करते हैं। लोगों इंग्लिश आती भी है लेकिन हेजिटेशन की वजह से वो बोल नहीं पाते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन आज के टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी फील्ड में। हम फार्मा फील्ड में बात करें या सॉफ्टवेयर फील्ड में बात करें या एक्सेट्रा, हम किसी भी फील्ड में अगर जाके बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बिना हम किसी भी लाइन में या किसी भी फील्ड में प्रोग्रेस नहीं कर सकते। विदाउट स्किल्स हमें कोई भी ग्रोथ नहीं दे सकता किसी भी फील्ड में। इंग्लिश आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड में है, क्योंकि बिना इंग्लिश के नॉलेज का किसी को आज के दिन में करियर ब्रेक तो पर्टिकुलरली नहीं मिलेगा, और पर्सनल और इंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ के लिए भी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। हम लोग ग्लोबल मार्केट के मेंबर्स हैं, सो जो भी हम काम करते हैं वो ग्लोबली रिलेटेड होता है, तो ग्लोबली रिलेशन में क्या होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है, एंड इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो हर कोई बोलता है, समझता है। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व पूरी दुनिया पर है, खासकर युवाओं के करियर में इसकी अहम भूमिका है। किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए आपको पर्सनल इंटरव्यू, बेसिक इंग्लिश टेस्ट आदि देने की जरूरत पड़ती है। अंग्रेजी के इस्तेमाल से आप अपने व्यक्तित्व को और भी निखार सकते हैं और करियर में सफलता पा सकते हैं। पर्टिकुलर यूथ्स के लिए इंग्लिश की सबसे ज्यादा महत्ता है, जो जॉब सीकर्स हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, क्योंकि आज के दिन में हम ग्लोबल मार्केट के मेंबर हैं, तो ग्लोबल मार्केट में हमारा लैंग्वेज का बैरियर्स बहुत ज्यादा आता है, और इंग्लिश ही एक ऐसा लैंग्वेज है जिसको हर कोई बोल और समझ लेता है। इतने ज्यादा कॉम्पिटिशन्स आ चुके हैं कि उस लाइन में अपना सेक्टर, अपना लाइन, अपना फ्यूचर ग्रोथ करने के लिए हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हम अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो आज के टाइम में हमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलती है बाहर वर्किंग के लिए, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत से एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, लाइक टफल हो गया या आयल्स हो गया, वो बहुत इंग्लिश टफ कॉम्पिटिशन होता है, उसके लिए बहुत हार्ड कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अच्छे होने चाहिए। इंटरव्यूज में जो भी होते हैं इंटरव्यूअर, जो एम्प्लॉयर होते हैं, वो आपके कम्युनिकेशन लेवल को चेक करते हैं, और आज के दिन में जो कम्युनिकेशन लेवल है वो सबसे जरूरी लेवल है, वो इंग्लिश की फ्लुएंसी है। आपको कहीं भी क्लाइंट से डील करना है, मार्केट में डील करना है, बिजनेसमैन से डील करना है,
आपको कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश की जरूरत होती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के साथ ही अंग्रेजी से जुड़े तमाम ऐसे रोजगार हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग से आपको अच्छी नौकरी प्रदान कर सकते हैं, जैसे आप गाइड बन सकते हैं, इंटरनेशनल बीपीओ में जॉब कर सकते हैं, टूरिज्म इंडस्ट्री में भी आप नौकरी कर सकते हैं। आज के दौर में इंग्लिश अगर देखा जाए तो ये बहुत मेजर एम्प्लॉयमेंट टूल भी साबित हो रहा है। अगर आप इंग्लिश में महारत रखते हैं या एवरेज लेवल से थोड़ा सा ऊपर अगर आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप फॉरेन एम्बेसीज में, गवर्नमेंट की जो दूसरी एजेंसीज होती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आपको एंटरप्रेटर का काम मिल सकता है, ट्रांसलेटर का काम मिल सकता है। उसके अलावा आप अपना कोई काम करना चाहते हैं तो आप फ्रीलांसर एक गाइड के रूप में भी काम कर सकते हैं, जो कि टूर एंड ट्रेवल बिजनेस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा आप अपना ट्यूटोरियल भी चला सकते हैं। औरों को फराटेदार इंग्लिश बोलता देख आपका भी मन करता होगा कि हम भी फ्लुएंट इंग्लिश बोलें। आप भी अंग्रेजी बोलने में एक्सपर्ट हो सकते हैं, बस आपको जरूरत है स्वयं अभ्यास करने की। विलिंगनेस टू लर्न एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है, वो आपके अंदर होना चाहिए। उसके लिए आप अपने लेवल से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप इंग्लिश न्यूज सुनने की आदत डालें, उससे आपको जो अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजीज हैं, जो वोकैबुलरी है, वो सुनने की आदत पड़ेगी, तो आपकी जान पहचान बढ़ेगी इंग्लिश से। इंग्लिश न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने की आप आदत डालें, जहां लोग अंग्रेजी बोलते हैं उस ग्रुप का हिस्सा बने। जितना ज्यादा हम अपनी डेली के रूटीन में इंग्लिश यूज करेंगे उतना ज्यादा हम बेटर कर सकते हैं। प्रॉपर लाइन्स लिख के या किसी टेंस को लिख के हम नहीं सीख सकते। जितना ज्यादा हम अपने वर्किंग शेड्यूल में इंग्लिश यूज करेंगे उतना अच्छा हम उसमें प्रोग्रेस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन के चलते देश में अंग्रेजी आम बोलचाल में शुमार हुई है। इंग्लिश स्पीकिंग आज के टाइम में सबकी जरूरत बन गई है, इसीलिए अंग्रेजी सीखने और बोलने का अभ्यास करके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है, जो कि किसी भी कैरियर में सफलता पाने में अहम भूमिका अदा करता है। कैरियर के विकल्प और भी हैं, जानेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बार कैरियर निर्माण में हमारी टीम आपके लिए लेकर आई है कंप्यूटर और आईटी से सरोकार रखने वाले रोजगार और उससे जुड़े कैरियर की जानकारी। कैसे बने प्रोग्रामर, जानेंगे इस सेगमेंट में। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में करियर कई ट्रेड में बनाया जा सकता है, इसी में से एक है कंप्यूटर साइंस और आईटी का फील्ड। बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ साथ इस इंडस्ट्री में अधिक जॉब क्रिएट हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आज के वक्त में सीएस और आईटी इंजीनियर्स की डिमांड भी सबसे अधिक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक में प्रोस्पेक्ट जो है जॉब्स के और करियर डेवलपमेंट के हमेशा बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि आज की डेट में आप कोई भी काम करना चाहें तो उसमें कंप्यूटर है, चाहे कि वो छोटा सा छोटा एक फ़ोन क्यों ना हो या कोई भी आपने आपके अपने घर में कोई भी आप आज इक्विपमेंट खरीदते हैं, चाहे वो एक डीवीडी हो या एक कंप्यूटर हो, या हर चीज़ के अंदर कंप्यूटर फिट है। सीएससी आईटी बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है, और इसमें बच्चे कंप्यूटर साइंस के बारे में इनडेप्थ नॉलेज गेन करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस क्या है, इसके डिफरेंट फील्ड्स क्या हैं, डिफरेंट फील्ड्स मीन्स नेटवर्किंग है, हार्डवेयर है या फिर चिप प्रोग्रामिंग है, ये सब कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है। कंप्यूटर साइंस और आईटी के कोर्सेज में विद्यार्थियों को कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पढ़ाई कराई जाती है। तेजी से डेवलप होती आईटी फील्ड के लिए उनको कंप्यूटर लैंग्वेजेस जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा Oracle सिखाई जाती है और कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में भी बताया जाता है। कंप्यूटर साइंस के अंदर फिर अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं कि नेटवर्किंग होती है, सॉफ्टवेयर होता है और चिप प्रोग्रामिंग होती है। नेटवर्किंग के अंदर जो भी नेटवर्किंग होते हैं जिसमें टेली कम्युनिकेशन आ जाता है कि आप नेटवर्क कैसे सेटअप करते हो, सॉफ्टवेयर के अंदर आप प्रोग्राम्स बनाते हो, वेब बेस्ड प्रोग्राम्स बनाते हो, विंडोज बेस्ड प्रोग्राम बनाते हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे स्टार्टिंग में बेसिक में होता है सी, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, और अभी जैसे .NET अभी मार्केट में बूम पे है, जावा, दीज आर द सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस, एंड द चिप प्रोग्रामिंग जिसके अंदर आप
एक प्रोग्राम बनाते हो बेसिकली कुछ रोल मशीन लैंग्वेज में और उसको चिप में इंटीग्रेट करते हो। ये क्षेत्र पूरी तरह से प्रोग्रामिंग पर निर्भर करता है। कोर्स की पढ़ाई के दौरान आपको अनेक प्रकार की प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। इनमें मास्टर बनकर आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। प्रोग्रामिंग कई टाइप की है। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो करियर है उसमें जो हम बात करते हैं, एक प्रोग्रामिंग का जो करियर के बारे में हम बात करते हैं, तो प्रोग्रामिंग कई तरीके की होती है। एक हो गई आपकी डिवाइस प्रोग्रामिंग, हो गई एप्लीकेशन डेवलपमेंट, हो गया वेब प्रोग्रामिंग हो गई, और तो हर चीज में प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल है। सो प्रोग्रामिंग का जो स्कोप है वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। CSIT के प्रोफेशनल्स की अभी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हर सॉफ्टवेयर कंपनी और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज, इवन ई-कॉमर्स एप्लीकेशन, सभी मोबाइल डिवाइसेस पर जा रही है। तो अभी CSE की जो भी डिमांड है मोबाइल की तरफ ज्यादा हो रही है, और कम्युनिकेशन, सॉफ्ट कम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, रादर देन हार्ड कम्युनिकेशन, मीन्स कि आप मेलिंग सिस्टम आप किसी को कोरियर करते हैं वो कम है, और सॉफ्ट कम्युनिकेशन ईमेलिंग सिस्टम वो ज्यादा है मार्केट में। और उसके भी बजाय आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, इसकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है मार्केट में। किसी कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करने के बाद आप IT के क्षेत्र में अच्छी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन आप अच्छे प्रोग्रामर बनेंगे इस बात की गारंटी नहीं है। एक अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आप में कुछ गुण होना बेहद जरूरी है। जब भी अपने करियर का आप चयन करते हैं, आप करियर को उस बारे में डिसाइड करते हैं, तो आप ये ना सोच के डिसाइड करें कि किस में आपको ज्यादा पैसा मिलने वाला है, पर इस चीज को मान के चले कि किस चीज में आपका इंटरेस्ट है। क्योंकि इस काम को आपने दिन में 8-10 घंटे करना है, और अगले कितने साल, 20-25 साल आपने कम से कम इसमें काम करना है, तो इसको मान के चलें। एक प्रोग्रामर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्किल चाहिए वो है एनालिटिकल माइंड, कि आप चीज़ों को, सिचुएशन को एनालाइज कर सकें, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चाहिए कि कोई एक प्रॉब्लम आपको दी जाती है तो उसका बेस्ट सोल्यूशन आप फाइंड कैसे कर सकते हैं, और उसको ही आपको फिर एक कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है। सेकेंड चीज ये आप मान के चलें कि आपको एक जगह के ऊपर बैठ के 8-10 घंटे आप एक जगह बैठ सकते हैं या नहीं, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको कुर्सी के साथ कंप्यूटर पर बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप एक जगह बैठ के काम नहीं कर सकते हैं, तो आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम नहीं कर सकते हैं। अगर आप में ये सब क्वालिटीज हैं तो आप भी इस क्षेत्र में अपने भविष्य की शुरुआत कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है कैरियर काउंसलर से मिलने का। इस हफ्ते हमारे कैरियर एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे क्यों जरूरी है जनरल स्टडीज की तैयारी करना। सामान्य अध्ययन तकरीबन हर परीक्षा में पूछे जाने वाला विषय है, कैसे करें इसकी तैयारी, आइए जानते हैं काउंसलर से। GS यानी जनरल स्टडीज ऐसा विषय है जो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है, जैसे बैंकिंग, रेलवे, PCS, सरकारी अन्य नौकरियों में। GS का ये पेपर MCQ पर आधारित होता है। इस पेपर के बारे में अधिक जानेंगे हमारे कैरियर एक्सपर्ट से। जनरल स्टडीज का तो पेपर ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नहीं है जहां ना आता हो। SSC, बैंकिंग, रेलवे, PO, सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज, स्टेटिस्टिकल सर्विसेज, जुडिशियल सर्विसेज, आर्म फोर्सेज, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जामिनेशन है ही नहीं जिसमें कि सामान्य अध्ययन का पर्चा नहीं होता है। अब हर प्रश्न की प्रकृति अलग होती है, हर परीक्षा का स्तर अलग अलग होता है, कठिनाइयों का स्तर अलग अलग होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो होते हैं एग्जामिनेशन में वो अलग अलग होते हैं, कि आप अपने नोट्स खुद तैयार करें। और हर एरियाज में कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं जिन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। जब NCERT का आप क्लास नोट्स तैयार कर लें, जब आप NCERT की सारी किताबें पढ़ लें, उसके बाद आप शुरू करें भारतीय संविधान और भारतीय संसद पर डॉक्टर DD बसु और सुभाष कश्यप की किताब पढ़ें। इसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र पर आप दत्त और सुंदरम या उमा कपिला की एक किताब आती है, उसको जरूर देखें। इसके अलावा तमाम ऐसी न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स हैं जो कि करंट अफेयर्स के एरियाज को कवर करती हैं, उस पर ध्यान दें। और भारत सरकार के सूचना एवं प्रकाशन विभाग के द्वारा दो जर्नल्स निकाले जाते हैं जिनको हम योजना और कुरुक्षेत्र कहते हैं, इससे भी सिविल सेवा में और SA के पेपर में बहुत सारी तैयारी करने में मदद मिलती है।
प्रत्येक परीक्षा के लिए क्वेश्चंस अलग होते हैं, पर इसमें कवर होने वाले विषय लगभग एक ही होते हैं। यूपीएससी द्वारा संचालित प्री मेंस में भी इसका अधिक वेटेज होता है। सिविल सेवा की परीक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप संघ लोक सेवा आयोग में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सिविल सेवा की परीक्षा का जो स्तर है, जो कठिनाइयों के आधार पर प्रश्न तैयार किए जाते हैं, अगर आप उसको तैयार करेंगे, भारतीय सिविल सेवा के लिए जो संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखकर तैयार करेंगे, तो जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आप उनमें बहुत आसानी से इस परीक्षा के आधार पर सामान्य अध्ययन के पर्चे को कर सकते हैं, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी यूपीएससी का सबसे ज्यादा है और इसलिए स्टेट सर्विसेज, बैंकिंग, पीओ, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जुडिशियल सर्विसेज, इन परीक्षाओं में जनरल स्टडीज की तैयारी अपने आप हो जाएगी। जनरल स्टडीज यू तो विषय एक ही है, लेकिन इसे कई भागों में बांटा गया है। इसका सिलेबस बहुत ही ज्यादा वास्ट है। इसमें कवर होने वाले सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स आदि। प्रारंभिक परीक्षा में जिन विषयों पर ध्यान देना है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। जबकि अगर हम मेन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो मेन एग्जामिनेशन में यही एरियाज हैं, लेकिन दो चीजें और पेपर नए जुड़ गए हैं जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री और इसके साथ साथ एथिक्स, इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अब जब आप तैयारी शुरू करते हैं इन एरियाज की तो इनका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, कोई एक निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं कि आप सिर्फ इतना पढ़ें इतना ना पढ़ें। इसलिए हमेशा शुरुआत फाउंडेशन से करनी चाहिए, बेसिक बनाकर करना चाहिए। मतलब कि एनसीईआरटी क्लास 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, इनकी जो सोशल साइंसेस की किताबें हैं, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, इनसे शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही एक अच्छा एटलस, कोई भी स्टूडेंट्स एटलस, उस पर नोट बनाना चाहिए, वर्क करना चाहिए, कौन सी चीजें कहां पर हैं, भौगोलिक, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, नदी, पर्वत, पठार, क्षेत्र, इनका क्या विभाजन है, भारतीय भूगोल, विश्व का भूगोल, इसके बारे में पूरी जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। करंट अफेयर्स जीएस में कवर होने वाला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें देश विदेश में होने वाली गतिविधियों के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में आप अपने समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, विज्ञान, शासन, प्रशासन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी बदलाव हो रहा है, जो भी नया घट रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसके कारण क्या है, उसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है और उसकी अवधारणा को समझने की जरूरत है। इससे जुड़े हुए आपको तथ्य, जानकारी, सामग्री आपको एकत्रित करना होगा और इसीलिए करंट अफेयर्स के लिए आपको रेगुलर वेबसाइट्स पर अपडेट रहना चाहिए, आपको रेगुलर न्यूज़पेपर, मैगजीन, कॉम्पिटिशन मैगजीन्स, इनको पढ़ना चाहिए और आपको लगातार अपने नए नोट्स बनाते रहने। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज के विषय पर ध्यान देना अति आवश्यक है, क्योंकि इसमें अच्छे मार्क्स आपको परीक्षा क्लियर करने में मदद कर सकते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हर बार की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं देश भर से चुनकर रोजगार समाचार। इन कंपनियों में आवेदन करके आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए देखते हैं एम्प्लॉयमेंट न्यूज। ईस्ट सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स कोटा के भीतर आवेदन आमंत्रित करता है। यदि आप बास्केटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी आदि जैसे खेलों के प्लेयर्स हैं तो तुरंत अप्लाई करें। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 13 जनवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड असिस्टेंट मैनेजर आदि पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदक के पास पद अनुसार क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। आवेदन करने के लिए 14 जनवरी 2015 से पहले वेबसाइट पर जाएं। मध्य प्रदेश स्थित पुलिस हेडक्वार्टर विभिन्न पदों के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आपके पास पद अनुसार डिग्री होना जरूरी है। अधिक जानकारी या ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 14 जनवरी 2015 से पहले दी गई वेबसाइट पर जाएं।
MESCOM यानी मैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड में विभिन्न पदों के तहत रिक्तियां हैं। असिस्टेंट लाइनमैन के पद के लिए आवेदन करने हेतु आपके पास इलेक्ट्रिशियन के ट्रेड में सर्टिफिकेट कोर्स होना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए 14 जनवरी 2015 से पहले दी गई वेबसाइट पर जाएं। वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड यानी WBSEDCL असिस्टेंट इंजीनियर असिस्टेंट मैनेजर के पद के लिए आवेदन स्वीकार करता है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 9 जनवरी 2015 है। अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर जाएं। मित्रों, हर हफ्ते आपके ईमेल्स का हमें बेसब्री से रहता है इंतजार, इसलिए हमें ईमेल्स करते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है bckddnews@gmail.com। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। एपिसोड को दोबारा देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते नए करियर ऑप्शंस के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?